हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पीके टेक में। मेरे यार, अगर आप इंस्टाग्राम पर रील क्रिएटर यानी कह सकते हो कि आप इंस्टाग्राम पर रील बनाते हो और आप चाहते हो यार कि मैं उसमें पॉपुलर नहीं हो पा रहा हूँ, यानी कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कोई दिक्कत हो रही है और मैं यही चाह रहा हूँ कि आखिरकार मैं उसमें कैसे मेरे दोस्त ग्रो अप करूँ। देखिए, होता क्या है, कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं किंतु हमारी मेहनत क्या होती है, मेरे दोस्त रंग नहीं लाती है, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और ऐसे में अपना इंस्टाग्राम पर रील बनाने का जो प्लेटफॉर्म होता है वो हम उसको छोड़ देते हैं। तो मेरे यार, मैं आज आपको बताने वाला कि देखिए, कोई भी चीज होती है निरंतर प्रयास मांगती है, निरंतर क्वालिटी अच्छी मांगती है, कंटेंट अच्छा मांगती है, इंटरेस्टेड कंटेंट मांगती है, वो आपको कैसे करना है, कैसे बनाना है, मैं आज आपको इस वीडियो में थोड़ा सा गाइड करने वाला हूं। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे यार कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मेरे यार, मैं आपको एक बात और बता देता हूं यार कि 100% में से केवल केवल 10% लोग ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, यानी कि 90% लोग मेरे चैनल की वीडियो को देख रहे हैं किंतु वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। क्यों मेरे भाई, क्यों नहीं कर रहे आप लोग सब्सक्राइब? यार सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूं। मेरे यार, मैं यहां पे आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि जिसके थ्रू आप क्या करो, प्रमोशन करो या जिसके थ्रू आप अपनी इंस्टाग्राम रील पर व्यू पाओ। देखिए, होता क्या है कि यार कोई भी आप इलीगल एक्टिविटी करते हो तो वो इंस्टाग्राम तक पहुँच जाती है, जिससे कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी क्या हो सकता है, डिसेबल्ड हो सकता है। आपको सिंपली करना क्या है, देखिए मैं आपको ऑर्गेनिक वे में बताऊँगा, आपको जाना माना एक्सपीरियंस बताऊँगा कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम रील पर व्यू इंक्रीज कर सकते हो और खुद आपकी जो वीडियो है, आप जो रील बनाए हो उसको इंस्टाग्राम खुद प्रमोट करेगा, यानी खुद लोगों तक पहुंचाएगा। आपको करना क्या है सिंपली, मैं जैसे मान लीजिए कि मैं अपनी पहले प्रोफाइल पर जाता हूं, आपको दिखा देता हूं कि मेरे रील पर कितने कितने व्यू हैं। हालांकि मैं ज़्यादा नहीं बनाता हूं इसलिए मैं आपको बता देता हूं। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं जो इंस्टाग्राम रील बनाता हूं, जैसे मान लीजिए, देखिए ये जो है नॉर्मली मेरी जो रील है ये मेरी शायरी वाली, यानी कह सकते हो मैं इन पर शायरी बोला हूं, वो भी बिना म्यूजिक के। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, यानी कितना कम और कितना लो यहाँ पे व्यू आए हुए हैं। अब जैसे मान लीजिए ये मेरा मंच वाला है, यानी कह सकते हो ये मैं माइक पकड़े हुए हूँ, मैं मंच पे खड़ा हुआ कॉलेज की, तो यहाँ पे 107 है, यानी कह सकते हो यहाँ थोड़ा सा मतलब लोगों का रिटेंशन बढ़ा हुआ है, यानी कह सकते हो लोगों का अटेंशन बढ़ा हुआ है यहाँ पे, और वहाँ पे वो लोग क्या दिए, थोड़ा सा टाइम भी दिए हुए हैं। अब आते हैं थोड़ा और नीचे, मेरे दोस्त थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरा 420 है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक इस्तेमाल किया हुआ है, यहाँ पर मैंने कोई भी एक्ट नहीं किया, यानी मैंने कोई भी एक्टिंग नहीं किया, सिर्फ म्यूजिक चल रहा है और मैं सिंपली यहाँ पर सफ़र कर रहा हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर 421 है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये सच बताऊँ ये वाला वीडियो मेरा है नहीं, मेरे दोस्त का है, तो इसलिए इस पर व्यू वैसे भी कम आने वाले थे और वैसे भी आए हुए हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, ये जो लास्ट वाला है आप देख पा रहे हैं इस वाले पर 1307 क्यों पहुँचे, कैसे पहुँचे, अब आप ये लोग सोच रहे होंगे, है ना। मेरे यार, मैं आपको बता देता हूं कि मैंने इसमें एक गाना इस्तेमाल किया, यानी एक सॉन्ग इस्तेमाल किया है उदित नारायण जी का, और इसमें मैं एक्ट भी किया हूं, यानी कह सकते हो मैं उसमें प्रॉपर एक्ट भी किया हूं, और एक्ट के कारण क्या हुआ है कि लोगों का उस पर अटेंशन बढ़ा है। जब लोगों का अटेंशन बढ़ा है तो इंस्टाग्राम ने मेरी रील को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या किया है, रिकमेंड किया। जब रिकमेंड करेगा तो यहाँ पर इस तरीके से ये ग्रो हो रही है, धीरे धीरे ये वाली रील मेरी क्या हो रही है मेरे दोस्त, ग्रो हो रही है और मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं। तो मेरे यार, आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा मेरे दोस्त कि आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, आप मेहनत करें, धीरे धीरे आप जरूर आपके फॉलोवर इंक्रीज होंगे और धीरे धीरे आप जरूर पॉपुलर होंगे। यार मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच यार।